हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज है सप्तमी और सप्तमी पे मैं एक छोटा सा हवन करती हूँ। तो जो उपला होता है ना, गाय का उपला, वो एक छोटा सा पीस मैंने उसका लिया और गैस पे उसे जलाना होता है। जलाने के बाद आपको जो जोत हमारी जल रही होती है ना, उसका घी हमें अपने हाथ से, अब मतलब अपने फिंगर से उस उपले पे डालना होता है। और जोत की जगह बत्ती का यूज़ करना होता है, लेकिन मेरे पास बत्ती नहीं थी और मुझे ऐसे जोत की बत्ती बनानी भी नहीं आती है, मुश्किल लगता है वो बनाना। जोत से घी लेने के बाद नॉर्मल घी का भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद दो लौंग को घी में डाल के डुबो कर, मतलब फिर उस उपले में डालना होता है हवन कुंड के अंदर, मतलब जिसमें भी आप हवन कर रहे हो, और ये जोड़े की तरह डालना होता है। फिर जो प्रसाद में जो कुछ भी होता है आप डाल सकते हो, जैसे छुहारे हो गए, बादाम, काजू, किशमिश, मिश्री या कोई भी मिठाई। और उसके बाद आरती करके मैंने हवन का जो जो धुआं होता है ना, वो पूरे घर में फैलाया था। तो इसी तरीके से हम फैलाते हैं। और बस ये बिल्कुल सिंपल वाला हवन हम करते हैं। पूजा करने के बाद पार्वती आ गई थी, उसके साथ मिलके बेड से सारे विंटर क्लोथ्स निकाले हम तीनों के, और पूरा बेड क्लीन करवा के न्यूज़पेपर बिछा दिए थे, और धूप भी लगाने चली गई थी मैं टेरेस पे। फिर साथ में मुझे वॉशिंग एरिया भी क्लीन करवाना था। उसे क्लीन करवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ही छोटा वॉशिंग एरिया है। और बीच में मैं आपको ये दिखाने के लिए आई हूँ कि हमारे घर में चींटियों ने बवाल मचा के रखा हुआ है। क्या रीज़न है पता नहीं, डाइनिंग टेबल पे, किचन, डस्टबिन, हर जगह आ रही है। वहाँ हल्दी लगा लगा के हम थक चुके हैं। अभी थोड़ी क्लीन ही करी थी कि फिर दोबारा आने लग गई थी। और यहाँ सिर्फ कल ही मनु ने हल्दी से ना सारा रास्ता रोक दिया चींटियों को अंदर आने का। और देखो अब चींटियों ने अपना रास्ता भी बदल दिया, और किस कदर से इन्होंने, मतलब पूरा झुंड है इनका, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो वॉशिंग एरिया हो गया था मेरा क्लीन। अब ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने आपके साथ अमेज़ॉन हॉल वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। तो ये जो है ना, ये है 4 टायर, और मैंने अमेज़ॉन वीडियो में दिखाया था 3 टायर्स, वो मैं यूज़ कर रही हूँ किचन के सामान के लिए, और ये है जो बाथरूम एक्सेसरीज होती है उनके लिए। क्वालिटी वाइज ओके है, बट वेरी यूज़फुल सीरियसली। तो यहाँ सारे बाथरूम एक्सेसरीज मैंने ऑर्गेनाइज़ अच्छे से कर दिए थे, और सच में अब तो जान आ गई है मेरे इस वॉशिंग एरिया में ना। बहुत भरा भरा था पहले, अब ऐसे ही खाली खाली रखना है। यहाँ पे सारे मैंने स्कॉच ब्राइट्स रखे हुए हैं, एक जो वो होता है ना हरा जूना और वो सिल्वर जूना, दोनों रखे हुए हैं। और ऊपर कुछ भी, मतलब बाथरूम एक्सेसरीज में कुछ भी आता है ना अगर राशन में, तो वो मैं यहीं पे सेट करके रख देती हूँ। और ये सारे हैं किचन नैपकिन्स जो कि यूज्ड हो रखे हैं, तो इनको भी वॉश करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। और पहले मैं किचन में ही रख देती थी, लेकिन अब यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहाँ रख सकती हूँ। सब कामों से फ्री होके मैंने थोड़ा रेस्ट किया, और फिर दोपहर को आ गई थी प्रसाद बनाने। और जल्दी वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं, आपको याद हो तो जन्माष्टमी व्लॉग में मेरी वीडियो ठीक से नहीं बन पाई थी और मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो ये मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे का जो कतली बनती है ना वो, तो मतलब पहले हलवा बनता है बाद में कतली, तो इसमें मैंने यूज़ किया था 1/2 कप देसी घी लिया था, उसमें से भी मैंने 2 चम्मच बचा लिया था, कम डालना था, इससे भी कम डालना था, बट आज इस बार थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया। और 3/4 कप इसमें मैंने डाला था सिंघाड़े का आटा। बस अच्छे से चलाने के बाद जब आटा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तो इसमें मैंने उतनी ही क्वांटिटी में, यानी कि 3/4 कप मैंने चीनी डाली थी। जितना आटा लेते हैं ना उतनी ही चीनी डलती है। और 2 मिनट बाद मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था, पानी मैंने सिर्फ डाला था 2 कप, और मीडियम गैस पे मैंने इसको 5 मिनट तक अच्छे से कुक किया था। उसके बाद गैस बंद कर दी थी और हमारा हलवा हो चुका है रेडी। अब इसको मैं एक कंटेनर में डाल दूंगी, जो वो केक कंटेनर होता है ना उसमें डालूंगी, तो उसको क्या, उससे क्या होगा, कतली अपनी शेप ले लेगा, खुद ही ले लेता है वो, तो उससे ना सही हो जाएगा। ये जब हलवा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब मैं बनाऊंगी व्रत वाली सब्जी आलू पनीर की। इसकी रेसिपी भी अधूरी रह गई थी उस दिन जन्माष्टमी पे, तो इसीलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला था
4 टीस्पून घी डाला था और 1.5 टीस्पून जीरा। जीरा भुनने के बाद टमाटर डालिए थे, 4-5 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर यूज़ किए थे। इसमें थोड़ा ज़्यादा टमाटर मतलब ना अच्छा लगता है। 5 मिनट बाद मैंने इसमें डाला था 1.5 टीस्पून नमक, 3-4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा। इन सबको अच्छे से चलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी 8 से 10 बॉइल्ड आलू और फिर उसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट कुक होने दूंगी ताकि मतलब आलू अच्छे से कुक हो जाए। और पाँच मिनट कुक करने के बाद मैंने इसमें 1 पाव पनीर डाल दिया था, 2 हरी मिर्च और भर भर के धनिया। अब इसे थोड़ी देर कुक करने के बाद मैं इसमें ज़रा सा नमक और ज़रा सी काली मिर्च और डाल दूंगी, क्योंकि मुझे डाउट था कि शायद थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रह जाएगा, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो जाता है इस चीज़ का, इतने टाइम से हम बना रहे हैं तो आइडिया रहता है। बस 2 मिनट और कुक करने के बाद सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी। और आज मैं आपके साथ एक और छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है चटनी की, हरी चटनी धनिया वाली। मैंने व्रत में चटनी कभी भी नहीं बनाई, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए थे 1.5 कप धनिया, 1 हरी मिर्च, ज़रा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी चीनी मतलब 1/2 टीस्पून के अराउंड, और 3 टीस्पून दही और ज़रा सा पानी। और इसको मिक्सी में पीस लेंगे और हमारी चटनी एकदम रेडी। माता रानी को भोग लगाने के बाद मैंने भी अपना फास्ट खोल लिया था और फिर सीधा रात को मैंने बस काले चने भिगोए थे, क्योंकि कल अष्टमी है। तो आपसे कल के व्लॉग में मिलूंगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना। मेरे काम डन हो गए हैं, मैंने चने भिगो के रख दिए। अब मैं सोने जा रही हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ, वरना बहुत लेट हो जाएगा। अब तो मैं थक भी गई हूँ, आज फास्ट भी था और ऊपर से इतना सारा काम भी हो गया। आज फास्ट में नहीं तो मैं इतना काम करती नहीं हूँ, थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो कल अब आपसे मिलूँगी अष्टमी पे। सो बाय एंड टेक केयर।